नमस्कार दोस्तों, वशीकरण मंचन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी विधि लेकर आया हूँ जिसको करके आप अपने चाहने वाले को, अपने प्यार को, अपने किसी रिश्तेदार को या अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपनी प्रेमिका, अपने प्रेमी को, अपने रिश्तेदार, अपने जो भी आप किसी को भी इस विधि से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। पर मैं आज आपको एक ख़ास बात बता दूँ, वश में करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चलते फिरते को भी आप अपने वश में कर सकते हो। ये कुछ कोई आपके सड़क पर जा रहा है, कोई रोड पर कोई भी चल रहा है, आपको वो अच्छा लग गया, आप उसका वशीकरण करवा दोगे या किसी का भी आप वशीकरण करवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वशीकरण का मतलब मैं आपको बता दूं, ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी किसी का वशीकरण करवाने को आ जाता है, कोई भी कर देता है, उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता, फिर वो लोग बोलते हैं कि रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अगर ऐसा होता तो आप हीरो, हीरोइन या किसी भी फिल्म स्टार या किसी भी पॉलिटिशियन का, आप किसी का भी वशीकरण करने में सक्सेसफुल हो जाते और वो आपके वश में होता। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। किस वशीकरण का मतलब होता है, किसी को भी वश में करने का मतलब होता है जिनसे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनके आपके संबंध हैं। संबंध यानी जैसे कि सच्चा पक्का रिश्ता होता है एक पति पत्नी का, पति पत्नी का एक बंधन हो गया आपस में, सबसे पवित्र बंधन पति पत्नी का हो गया। और एक बंधन हो गया कोई प्रेमी का है, वो बंधन में उससे प्यार करता था, कई साल हो गए शादी के लिए और तैयार था, वो कुछ ऐसी बात बिगड़ गई कि ऐसा हो गया कि वो उससे नाराज हो गया या उससे छोड़कर चला गया या उससे बातचीत नहीं हो रही। इस ऐसे बंधन के लिए वशीकरण होता है और ये ऐसे बंधन के लिए ही अपना असल काम करता है। जो लोग बोलते हैं ना कि रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा या असर नहीं हुआ, वो वैसे लोग होते हैं कि आप किसी का भी वशीकरण कर दोगे तो क्या असर हो जाएगा? नहीं, असर सिर्फ उन पर होगा जैसे कि सच्चा पक्का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता हो गया, माँ बेटे का रिश्ता हो गया या प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो गया, जो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, कुछ कोई ऐसा हो गया, कुछ परेशानी बीच में आ गई जिससे वो अलग हो गए या कोई बीच में ऐसा आ गया, शादी टूट गई, कुछ भी ऐसा हो गया हो पर उनका रिलेशन आपस में था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनका रिलेशन आपस में होता है उनका वशीकरण होता है। तो दोस्तों, मैं देरी ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इससे जिनके साथ आपका सच्चा पक्का रिलेशन है, ये मेरे हाथ में नींबू है, इतना सरल और आसान नींबू का इस उपाय है कि इसके नींबू पर, नींबू से मैं आपको बताऊंगा, नींबू से आप कैसे किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, कैसे किसी नींबू का, नींबू से कैसे किसी का वशीकरण कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसको करना क्या है आपको, देखिए बहुत ही सिंपल और आसान ये उपाय, ये विधि है जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है करने को, बहुत ही आसान है। इसमें आपको एक पेन की आवश्यकता पड़ेगी जैसे कि आप देख रहे हैं, और कोई भी पेन चलेगा, ये नहीं कि ये वाला पेन होना चाहिए, नहीं, कोई भी पेन चलेगा। और एक इसमें नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, बिल्कुल साफ साफ देखिए, अच्छे से देखिए ताकि कोई गलती ना हो और आप जिसको भी अपने वश में करना चाहते हो वो अच्छे से हो सके। तो इस काम को ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखना ताकि कोई गलती ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आगे शेयर भी करिए ताकि हमारे जो इस विधि है, इस विधि का लाभ और भी ले सके, जो लोग इसके जो परेशान लोग हैं वो इसका लाभ ले सके। देखिए मैं आपको बताता हूँ अब इसको करते कैसे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये उपाय इतना असरदार है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही असरदार। अगर ये उपाय नहीं हुआ ना तो जो आप कहोगे कमेंट बॉक्स में, मुझे आप जो चाहो वो कह सकते हो, मैं चैलेंज करता हूँ 100%, 101% मेरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं चैलेंज, क्योंकि खुद
इस उपाय को करके देखा हुआ है, इस वजह से चैलेंज है। रेस्पॉन्स सिर्फ 7 घंटे के अंदर अंदर ही इस रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, तो आपको देखिए करना क्या, यकीन मानना बहुत ही है, एक बार करके ज़रूर देखना। एक नींबू, बस एक नींबू लगता है इसमें और कुछ नहीं लगता, एक नींबू से ही मैं आपको इतना सरदार उपाय बता रहा हूँ। पर दोस्तों इतना मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, नींबू को लेकर आपको जो पेन देखा था आपने, उसमें कोई भी पेन चलेगा। नींबू को छोटे लफ्ज़ों में लिखना है, मैं अक्षर लिखना है इसमें, 155 बार आपको लिखना है। कितनी बार? 155 बार। अब 155 बार जब आप इसमें लिख दोगे, मैं अक्षर लिया इसमें लिख दोगे, तो आपको करना क्या है ध्यान से देखना, 155 बार जैसा कि मैंने लिखा है ना, मैं हिंदी में ही लिखना है आपको, मैं लिखना है। उसके बाद आपको जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, उसका नाम आपको सोचना है 3 बार नाम पढ़ करके, कि वो मेरे वश में हो जाए। जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो बोलो, वो मेरे वश में हो जाए, वो मेरे वश में हो जाए, वो मेरे वश में हो जाए। तो उसको आपको 3 बार इसके नींबू के ऊपर बस फूंक मारनी है आंखें बंद करके, उसका चेहरे को अपनी नज़रों के सामने आकर्षित करके, हाजिर करके, तब इस पे फूंक आपको मारनी है। उसके बाद आपको इसको नींबू को करना क्या है, इसको काट देना, मतलब बस इसकी जो उसको खिलाने में या कुछ पिलाना, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, जिसको आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, इस नींबू की हल्का सा शहद जो होता है, जैसे नींबू का जो रस रहता है, वो नींबू या तो आप किसी बोतल में रख लें करके इस नींबू को, और इस नींबू का रस आप कहीं बोतल में रख करके रख लें, या कहीं भी करके रख लें, आप कहीं भी करके रख सकते हो। और खाने की चीज़ में इसका नींबू का रस 2 या 4 बूंद एक बार मिला के दे दें, एक बार में इतना रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, दूसरी बार आपको करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नींबू का रस इसको आपको खिला दें या पिला दें, पिलाने के पानी में किसी भी खिलाने की चीज़ में, किसी भी पिलाने की चीज़ में खिला कर किसी भी इसको खिला गया पिला दें, बस इतना आपको करना है। इसको करने के बाद सिर्फ 7 घंटे में आप जिसकी ओर आप आकर्षित होना चाहते हो ना, जो जिसको आप करना चाहते हो अपनी ओर आकर्षित, यकीन मानना 7 घंटे में वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, 100% रिजल्ट है इस चीज़ का। तो और इससे जुड़ी जानकारी आप हम ले सकते हो, हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, हमसे आप ले सकते हो उसकी जुड़ी जानकारी, हम आपकी हमेशा हेल्प में हाजिर हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।